फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम रोज स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके ब्राइडल तक मेहंदी सीख रहे हैं, अभी हमारा बेसिक चालू है। पहली क्लास में हमने सिर्फ सिंगल सिंगल शेप्स निकालना सीखा था, उसको बंच में कन्वर्ट नहीं किया था, सिर्फ सिंगल सिंगल शेप्स बनाए थे। तो आज हम उन्हीं शेप्स को उठा के उसका एक बंच बनाएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो कि एक के ऊपर एक शेप्स कैसे बिठाते हैं, शेप्स कैसे मैनेज करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा 15th डे है, आई थिंक यस 15th डे है आज की क्लास का। इसके पहले हमने जो 14th वाली क्लास दी है उसमें हमने सिंगल सिंगल शेप्स सीखे हैं ये वाले सब। तो अभी हम इन सारे शेप्स का बंच बनाने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक बेस बना लिया, ये लाइन जो मार रही हूँ अभी मैं, उसके ऊपर मैं हम्स बना रही हूँ, ये एक बेस हो गया। इसके ऊपर हम अभी कुछ भी शेप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने साइड में ले लिया है, अभी इसके ऊपर हम कोई भी एक शेप ऐड करके उसके ऊपर फिर से एक बेस बनाएंगे, जिससे कि हम एक और शेप उस पर ऐड कर सके। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली शेप्स ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शेप्स के जो बंचेस हैं आपको खुद से भी बनाने हैं। पहले आप, मैंने जो जो बनाया है उस तरीके से आप कंप्लीट बनाते जाओ। मेरे बनाने मैंने जितने बनाए हुए हैं वो सारे प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से दिल से डिज़ाइंस बनाना ट्राई करो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप दिल से भी मेहंदी बना पाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे मैं नीचे के बेस पे डिपेंड ऊपर का शेप बना रही हूँ। नीचे जिस तरीके से बेस बना हुआ होता है उसी से हमको आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करनी होती है। यहाँ पे जिस तरीके से नीचे वाला शेप जा रहा है उसी तरीके से हमको ऊपर वाले शेप को मैनेज करना होता है। अरेबियन मेहंदी में यही एक बात होती है, अगर आप कोई भी शेप किसी के भी ऊपर, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं दिखता है। पहला शेप कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट शेप किस एंगल में लोगे, है ना। अभी देखो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। नीचे जो बेस है उस पर डिपेंड होता है कि आगे कौन सा शेप बनाना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शेप की प्रैक्टिस करेंगे, इसके अंदर मैं फिलर एलिमेंट्स कुछ भी डालने वाली नहीं हूँ। वो हम आगे देखेंगे कि फिलर एलिमेंट्स फिनिशिंग के साथ कैसे उसमें ऐड वगैरह करने हैं। अभी हम सिर्फ शेप बनाना सीखेंगे, शेप के बंचेस बनाना सीखेंगे। ये क्लास की प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये एक प्रॉब्लम कम होगी कि इसके आगे क्या डिज़ाइन निकालूँ, ये जो सबकी प्रॉब्लम होती है ना वो एक कम हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको डिज़ाइन याद आने लगेगी कि इसके आगे क्या निकालो, इसके आगे क्या निकालो। ये जो याद नहीं आता है ना, तो ये सारे शेप के जो बंचेस के आप प्रैक्टिस करोगे तो वो एक प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, आपको डिज़ाइन ज़्यादा याद आने लगेंगे। नीचे के शेप पर डिपेंड होता है कि हम आगे क्या निकालें, ठीक है। ये एक बात ध्यान में रखो सर, जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे DMs में उनके प्रैक्टिस भेज रहे हैं, उनको सच में बहुत सारा थैंक यू कि आप हमारी क्लासेस देख के सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। आई होप मेरी क्लासेस देख के आप सीख रहे हो अच्छे से और अच्छे से आपको मेहंदी आ जाए जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को परफेक्टली मेहंदी आ जाए और आप ऑर्डर लेने लग जाओ। अगर आप ये पूरा कोर्स करने के बाद सच में ऑर्डर अगर आप लोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये कोर्स करने के बाद आपने ऑर्डर लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे क्लासेस आप अच्छे से फॉलो करो और यहाँ पे आज के ये जो शेप्स है उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो मैं किस तरीके से बंचेस बना रही हूँ शेप्स के, एक के ऊपर एक बिठा के। और एक बात कहनी थी कि आप रोज़ हमारी ये शीट पर तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, हमारे क्लास की अच्छे से एक ड्राइंग बुक बनाओ, उसमें ये सारे कोर्सेस अच्छे से फेयर करो, ताकि वो ड्राइंग बुक देख के आप खुद भी ब्राइडल मेहंदी कोर्स
या फिर नॉर्मल अपना मेहंदी कोर्स अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हो। वो बुक में जैसा मैंने सिखाया है उसी तरीके से आप खुद भी सिखा सकते हो। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे